आज भारत के बढ़ते आर्थिक सामर्थ्य, भारत के बढ़ते तकनीकी सामर्थ्य और भारत पर विश्व के बढ़ते भरोसे के लिए ये दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, एक अहम दिन है। ऐसे समय में जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, आधुनिक होते भारत के नए संस्थान और नई व्यवस्थाएं भारत का गौरव बढ़ा रही है। आज गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSCA हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग का शिलान्यास किया गया है। मुझे विश्वास है ये भवन अपने आर्किटेक्चर में जितना भव्य होगा उतना ही भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने के असीमित अवसर भी खड़े करेगा। IFSCA एक एनेबलर भी बनेगा, इनोवेशन को सपोर्ट करेगा और इस सब के साथ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के लिए एक कैटालिस्ट का काम भी करेगा। गिफ्ट सिटी में NSE, IFSCA, SGX कनेक्ट की लॉन्चिंग के जरिए आज ये शुरुआत हो रही है। साथियों, आज इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज उसको भी लॉन्च किया गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के इंडियन ओरिजिनल ऑफिस, 3 फॉरेन बैंक्स और 4 इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग सर्विस प्लेटफॉर्म, इन सब के साथ अनेक महत्वपूर्ण पड़ावों को आज हमने पार किया है। इनसे 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य को आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ने में और मदद मिलेगी। भारत अब USA, UK और सिंगापुर जैसे दुनिया के उन देशों की कतार में खड़ा हो रहा है जहां से ग्लोबल फाइनेंस को दिशा दी जाती है। मैं इस अवसर पर आप सभी को और सभी देशवासियों को अनेक अनेक बधाई देता हूं। मैं विशेष रूप से सिंगापुर के अपने साथियों का भी अभिनंदन करता हूं जिनके सहयोग से दोनों देशों के लिए संभावनाओं के आयाम खुल रहे हैं।